सबने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा जल्दी से एक बार मुझे ना फटाफट बता दो किस किस को ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूलाज बेटा सारे याद हैं। यस सर। कितने बच्चों को याद है? जस्ट रेज हैंड करके ट्रिपल बताओ। बोलते हैं। हाँ जिस जिसको बेटा याद है एक रेज हैंड कर दो जल्दी से फटाफट। ठीक है, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों को याद है, गुड। ठीक है, क्योंकि ना बेटा देखो ट्रिगो के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे कि कैसे मैनिपुलेशन करना है। बिकॉज अगर फॉर्मूले एक होता है ना, एक होता है किसी बच्चे को याद है फॉर्मूले जब मैं पूछता हूँ, एक होता है याद इस तरह से है कि आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाता है कि इस तरह से भी हो जाएगा और इस तरह से भी हो जाएगा। तो इतने अच्छी तरह से याद होने चाहिए बिकॉज आपको पता है कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्रिक जो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, कुछ होते हैं कैलकुलस में आ जाएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग रहे होंगे, इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। तो आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री जैसे होता है ना फंक्शंस बेसिक है कैलकुलस का, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको आना चाहिए। और इसके लिए मेन यही कि अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद है तो मोर लेस ज्यादातर क्वेश्चन आप निकाल लोगे। पहला आता है जल्दी से कुछ बेसिक फॉर्मूलाज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पता है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो पहले जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक्स है। हमें पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे हम लर्न करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट और लास्ट में कॉस और सेक। अच्छा जब हम एंगल कंसिडर करते हैं तो एंगल के हम दो यूनिट लेते हैं, एक लेते हैं क्या डिग्री मेजर लेते हैं और एक रेडियन, राइट। सो आपको कन्वर्जन भी पता होगा कि पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डिग्री गिवन हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में गिवन है तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। और डिग्री में भी एक यूनिट होती है कि 1 डिग्री इक्वल टू हम लिख देते हैं क्या 60 मिनट्स लिख देते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। अच्छा ये मिनट सेकंड वो क्लॉक वाला नहीं है, मतलब एक छोटी यूनिट बना दी ऐसे बोल दिया, ठीक है मिनट और सेकंड। ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट और लास्ट में कॉस और सेक। अच्छा जब हम एंगल कंसिडर करते हैं तो हम एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो उसको नेगेटिव एंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है भाई। डायरेक्शन अगर ऑपोजिट ले रहे हैं क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव। इसलिए ये तीन रूल बताएंगे जो आपने पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। इनमें से सिर्फ कॉस ही क्या लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं, बाकी दोनों नेगेटिव लेते हैं। उसका रीजन आप समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा? यस, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को क्या होता है पॉजिटिव होता है, एंड साइन और टेन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉसेक और कॉट वो भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। फिर आते हैं जो स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जीरो से लेकर 90 वो याद होना चाहिए। अब कुछ और एंगल्स हैं जिन पर आपको वैल्यू लर्न करना है, कौन कौन सा? साइन 18, कोई बताएगा साइन 18 की वैल्यू क्या होती? मतलब हम लर्न नहीं करते बट एक याद होना चाहिए आपको, डराइव भी कर सकते हैं निकाल सकते हैं बट बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो बताएगा साइन 18 की वैल्यू? किसी को याद नहीं? रूट फाइव माइनस वन डिवाइड बाई फोर, ठीक है। कैसे आया? अगर मैं एक एंगल को 18 डिग्री मान लेता हूँ तो फिफ्थ मल्टीपल क्या आएगा इसका? सर ये रूट में कितना लिखा है? रूट फाइव बेटा, मैंने ए को मान लिया 18, तो 5 ए की वैल्यू कितनी आएगी? 90 आएगी, ठीक है। 5 ए को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 ए प्लस 2 ए इक्वल टू 90। अच्छा 2 और 3 में मैंने इसलिए ब्रेक करा क्योंकि साइन 2 ए साइन 3 ए कॉस 2 ए कॉस 2 ए कॉस 3 ए की वैल्यू मुझे पता है, मैंने लर्न कर रखी है, इसलिए ऐसे ब्रेक करा, 4 और 1 में ब्रेक नहीं करा। और यहाँ पर ऐसे लिख दिया 3 ए इक्वल टू 90 माइनस 2 ए। अब दोनों तरफ क्या ले लिया? साइन ले लिया, तो साइन 3 ए इक्वल टू आ गया आपका साइन साइन 90 माइनस 2 ए। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस होता है, राइट। कॉस 2 ए बन गया, यहाँ पर चल रहा है साइन 3 ए। अब आपने साइन 3 का आइडेंटिटी लगा दी, कोई बताएगा साइन 3 की आइडेंटिटी क्या होती है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, 3 साइन ए, वेरी गुड, माइनस 4 साइन क्यूब।
इक्वल टू कॉस में भी वही वाली आइडेंटिटी लगा दो, साइन की क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना, मतलब साइन वाली इसलिए लगाई ताकि सारे साइन वाले टर्म्स आ जाए। तो क्या आ गया, सबको एक तरफ ले जाएंगे, 4 साइन क्यूब है माइनस का 2 साइन स्क्वायर है और माइनस का 3 साइन है प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मैं सबको राइट साइड पे ले गया, अब ये आपकी क्यूबिक पॉलीनोमियल की तरह से बन गया एक तरह से। अगर मैं इसको साइन क्यूब ए को एक्स मान लू तो 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, x को हमने मान लिया साइन ए मान लिया, तो ये बन गया हमारा 4x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करते थे, कुछ एक ऐसा एक्स की वैल्यू लेते हैं जिससे कि पूरा आंसर जीरो आ जाए, तो अगर वो जीरो आ जाएगा तो हमें फैक्टर पता लग जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू अगर हम लेते हैं लाइक इसके फैक्टर्स लेते हैं तो 1 ले लिया लेट्स से हमें, तो 1 लेने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यस जीरो आ गया हमारा। तो यानी कि इसका मतलब क्या निकला कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर है ना, तो ये पता लग गया कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालोगे, लॉन्ग डिविजन मेथड से भाई डिवाइड कर दो, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। 4x क्यूब लाने के लिए 4x से करना पड़ेगा स्क्वायर से, फिर माइनस का नीचे लिखते हैं 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, फिर 2x स्क्वायर लाने के लिए प्लस 2x से करेंगे, इधर माइनस 2x आएगा, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल आउट, माइनस x प्लस 1 माइनस 1 से करना पड़ेगा, प्लस 1 आएगा, दोनों ही कैंसिल आउट, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 ये एक और फैक्टर आ गया। अब अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अब x की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि साइन x की वैल्यू यानी साइन a की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि एंगल 18 डिग्री है और साइन 1 कहां पे होता है, 90 पे होता है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि साइन की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, तो वो वाले को तो इग्नोर कर दिया हमने। अब बचता ये वाला, और इसको जब आप सॉल्व करोगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, क्योंकि जब आप बिना डिस्क्रिमिनेंट के फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे फैक्टराइज होगा ही नहीं, मिल्टन स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो अगर इसकी मिल्टन स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो फिर एक और तरीका होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी करोगे क्या आएगा, बी का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 16 डिवाइड बाई 2a करोगे 8, तो क्या आ गया x की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20, रूट 20 में से क्या बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ सकता है, तो 2 रूट 5 डिवाइड बाई 8, तो x की वैल्यू आ गई आपकी या तो माइनस, अच्छा 2 भी ऊपर नीचे कैंसिल कर आउट कर सकते हैं कॉमन लेकर, तो 2 भी हटा दो, तो 2 हटाएंगे तो आएगा माइनस 1 प्लस का रूट 5 डिवाइड बाई 4 या फिर माइनस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4। अब जो दूसरी वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसको भी इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये आपका नेगेटिव है और साइन 18 की आप वैल्यू निकाल रहे हो, x ही आपका साइन 18 है, तो 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा रूट 5 माइनस 1 बाय, क्लियर है। Yes, sir. अब ये पेपर में डराइव तो नहीं करने बैठोगे ना, ये तो मतलब मैंने डेरिवेशन बता दी कि आया कहाँ से, मैनिपुलेशन आपने थोड़ा सा आइडिया भी लगा लिया कि ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये निकालोगे तो ना पेपर में, तो आपने क्या करा, ये वाली वैल्यूज लर्न कर ली, कौन कौन सी, साइन 18 कितनी बताई मैंने, रूट 5 माइनस 1 बाय 4। अच्छा साइन 18 किसके इक्वल होगा, कॉस में कितना होगा वो एंगल, अगर साइन 18 है तो कॉस में कितना होगा एंगल, 72 है ना भाई, कॉस 72 सेम होगा। इसी तरह से आपने लर्न कर लिया साइन 36 की वैल्यू भी लर्न कर ली, साइन 36 क्या होगा, कॉस कितना होगा बताओ, अगर साइन 36 लिख रहा हूं तो कॉस में कितना होगा, 54 90 माइनस कर दो ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, तो इसकी वैल्यू आपने लर्न कर ली रूट 10 माइनस का 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू इसकी, ठीक है। इसी तरह से साइन 18 हो गया, साइन 36 हो गया, फिर आता है साइन 54 या फिर कॉस 36 कितना होगा, ये भी याद रख लिया, ये है वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाय 4, ये दोनों कुछ कुछ सेम है, ठीक है। ऐसी दूसरी वैल्यू निकाल लेना, साइन क्या रहेगा 72 और कॉस क्या 18, इसकी वैल्यू कहां से निकाल सकते हो, कॉस 18 की वैल्यू कॉस साइन 18 से निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 क्या होगा 1 होगा राइट, तो कॉस 18 की या साइन 72 की वैल्यू हम कॉस साइन 18 से ही निकाल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है भाई, yes, ये निकाल लेते हैं। Yes, sir. Okay. सभी को आ गया समझ में,
तो ये वैल्यूज बेटा लर्न होनी चाहिए, बहुत लाइक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए। अच्छा 18 डिग्री को मतलब 18 डिग्री में तो दिख गया हमें, लेकिन पाई में अगर लिखा होगा तो क्या होगा, पाई बाय 10 होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला एंगल ध्यान रखना, पाई बाय 10, 180 बाय 10 मतलब 18 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है। तो अगर नहीं भी पता मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं पर, तो हमें एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है, हमें याद है पहले से, ठीक है, क्लियर है। अब हमें साइन साइन 2a साइन 3a की वैल्यू तो लर्न है, कुछ और वैल्यूज लर्न कर ली, जैसे साइन कहीं पर लिखा आ गया, साइन 3a तो पता है, कॉस 3a भी पता है, लेकिन अगर मान लो लिखा गया साइन 5a, तो इसकी वैल्यू लर्न कर ली ताकि पेपर में ओपन करके सॉल्व ना करना पड़े। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली लर्न कर ली, 16 साइन 5a माइनस का 20 साइन क्यूब ए और प्लस 5 साइन, ये वैल्यू। इसी तरह से कॉस 5a भी लर्न कर लिया, 16 कॉस 5a माइनस 20 कॉस 3a प्लस 5 कॉस, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज लर्न कर लिए ताकि कहीं पर अगर 5 आता है तो आपको कॉस 3 थीटा और कॉस 2 थीटा लगाकर सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली लिख देना, ठीक है भाई, याद रहेगा। यस सर। सर थोड़े से ना न्यूमेरिक क्लियर लिखो सर, समझ नहीं आ रही भी थी। कौन सी बेटा? न्यूमेरिक वैल्यूज ना समझ नहीं आ रही भी थी थोड़ी सी। कौन सी बताओ, 16 नहीं आ रहा समझ में? जैसे 5 नहीं नहीं ये आ रहा सर, जैसे cos 5 है लगा, इधर 3 लग रहा है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा लिख देता हूँ मैं दोबारा, मैं बोल भी रहा हूँ वैसे लिख भी लो, साइन 5 है जैसे मैंने लिखा, अब ठीक है 5। यस सर। तो इसकी वैल्यू हमारी 16 साइन की पावर 5 है माइनस 20 साइन क्यूब ए प्लस 5 साइन, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से कॉस में सेम कॉस 5 की वैल्यू, ठीक है भाई, बस साइन की जगह कॉस आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने साइन 3 की वैल्यू लर्न करी हुई है, कितनी होती है बताओ, साइन 3 कितना होता है? 3 साइन ए होता है माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है ना, लेकिन इसको और मैनिपुलेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ये लर्न कर लो, साइन 60 माइनस ए साइन ए और मल्टीप्लाई में साइन 60 प्लस ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। राइट साइड जो लिखी है साइन 60 माइनस ए साइन ए साइन 60 प्लस ए, इसको भी इवेल्युएट करोगे यही आएगा, तो ये भी लर्न कर लिया ताकि कहीं पर अगर ऐसा मैनिपुलेशन चाहिए होगा तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये लर्न कर लिया, क्लियर है। सेम चीज कॉस के लिए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस है, ये तो पता है हमें। इसी तरह से इसकी भी आइडेंटिटी है क्या, कॉस दोबारा 60 माइनस ए कॉस ए और कॉस 60 प्लस ए, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। सभी को अब आता है, लेट से एक क्वेश्चन आता है जो टिपिकल पूछा जाता है इस तरह से, लेट से क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैंने जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अगर बोले आपको फॉर्मूले लर्न है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं एक तरह से करा रहा हूँ वैसे ही होगा, हो सकता है दूसरे तरह से भी हो जाए, तो इसमें एक फिक्स तरीका नहीं है कि आप एक ही तरह से कर सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप रिलेट कर सकते हो कि कैसे निकलेगा। जैसे दो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कौन से, कि अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर लिखा है तो आप उसको मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2, और कहीं पर अगर sin स्क्वायर लिखा है तो उसको लिख सकते हो 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाय 2। ये पढ़ी हुई आइडेंटिटी, यस सर, ये cos 2a से ही निकली है, ठीक है, यस सर। तो लेट्स से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से cos की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस cos की पावर 4 5 पाई बाय 8 और प्लस कॉस की पावर 4 7 पाई बाय 8 इक्वल टू, बताना क्या होगा। ऑप्शन है 3 बाय 2 3 बाय 4 1 और डी है हाफ। तो सबसे पहले आपने एंगल्स ऑब्जर्व करें, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, तो एक क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि दिख रहा है फॉर्मूला और लगा दिया, क्योंकि जैसे मान लो लिखा हुआ है cos 3, तो cos 3 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 cos a सॉरी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a,
ऐसे भी लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ पता है, ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos² 3a/2 माइनस वन, ये भी लिख सकता हूँ, मतलब cos 2a की आइडेंटिटी लगा दी cos 3a में। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिटी लगाओगे, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका यही फॉर्मूला लगेगा, ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको क्वेश्चन को देखना है कि जब आप इवेल्युएट करोगे तो कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, मतलब जरूरत के हिसाब से लगाना है। ओके, तो हमने देखा कॉस की पावर 4 सारी की सारी लिखी हुई है, एंगल जो लिखे हैं वो पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 लिखा हुआ है। तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें बताओ, कोई एक जना बोलो जिसको समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दो एंगल मैंने ऑब्जर्व करे, कौन कौन से, ये वाले सर ए दोनों कोई दो मिसाइल जो पाई बाय 8 लिखा हुआ एंगल और 7 पाई बाय 8 लिखा हुआ। 7 पाई बाय 8 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, 7 पाई बाय 8 को cos 7 पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस पाई बाय 8। ठीक है भाई, हाँ ये एंगल ब्रेक करना आना चाहिए आपको। और आपको फिर ये पता होगा कि जब cos पाई लिखा होता है, मतलब पाई का कोई मल्टीपल होता है, यानी 90 का इवन मल्टीपल, और उसके साथ प्लस माइनस में कोई भी एंगल लिखा हो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो एंगल cos ही रहेगा, cos क्या थीटा। और जो साइन है, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस पाई बाय 8 बता दो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड सेकंड में। सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का cos पाई बाय 8 आएगा। ठीक है, माइनस आ गया, लेकिन हम कर कह रहे हैं पावर 4 करना है, तो पावर 4 करने पर वो नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। ये आप समझ में आई, यस सर। सेम चीज आपको समझ में आ गई होगी कि cos 5 पाई बाय 8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos 3 पाई बाय 8 लिख सकते हैं। ये ठीक है, यस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि गिवन क्या है, और उसमें देखना है कि कौन सा किस में क्या रिलेशन बना सकते हैं। तो पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8 में ऐसे रिलेट कर लिया हमने कि वो दोनों सेम ही है, क्योंकि 4 पावर करने पे सेम ही हो जाएगा, और अगर ये क्यूब होता तो आंसर 0 आ जाता डायरेक्टली। समझ में आ रहा है, अगर मान लो क्यूब होते सारे के सारे तो फिर तो आंसर 0 आ गया, एकदम ही समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो cos पाई बाय 8 है और 7 पाई बाय 8, उन दोनों की जगह 1 लिख लूंगा। बताओ क्या लिखूं, पाई बाय 8 लिखूं या 7 पाई बाय 8 वाला लिखूं, ज्यादा इजी क्या है, पाई बाय 8 है ना। तो हम ट्वाइस लिखते हैं, ट्वाइस कॉमन लेकर ऐसे लिखते हैं, cos की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस cos 4 3 पाई बाय 8। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें बताओ, अब पावर 4 की मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला था, जो स्क्वायर है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2। तो एक काम करते हैं, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, एक बार ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 4 का तो डायरेक्टली मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस क्या लिखूंगा इसे, 1 प्लस cos कितना, एंगल बताओ क्या लिखूं, पाई बाय 8 है तो डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 है ना ये। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। आपने क्या किया, cos की पावर 4 पाई बाय 8 को cos स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख दिया, और उसमें cos स्क्वायर पाई बाय 8 का फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस cos ट्वाइस एंगल कर दिया पाई बाय 4 और डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यस सर। सेम चीज यहां पर कर दिया आपने, 3 पाई बाय 8 का डबल बताओ क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, यस सर। अच्छा अब देखो, अब इतना करने के बाद डायरेक्टली समझ में आ गया कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है पाई बाय 4 पे भी वैल्यू निकाल सकते हो आप कॉस की, और 3 पाई बाय 4 पे भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि कॉस 3 पाई बाय 4 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। समझ में आ गया, यस सर। आगे कर लोगे बेटा, ये कराने की जरूरत है, हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट्स से अब क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस 12 प्लस कॉस 84 प्लस कॉस 156 प्लस कॉस 132, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी कि कितने की। पहला ऑप्शन है लेट्स से हाफ, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है माइनस हाफ, डी ऑप्शन है 3/4। तो सबसे पहले बताओ क्या करें, कौन से एंगल को किसको चेंज करें, क्या लिखें। सबसे पहले जो बड़े वाले एंगल से उनको ब्रेक करो, जो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट या आगे चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट से अलग है। तो दो एंगल दिख रहे होंगे तुम्हें, 156 और कौन सा एंगल 132, तो इन दोनों को पहले ब्रेक कर लो। बताओ क्या लिख सकते हैं 156 को, 156 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा,
कॉस 84 को 84 ही रखा, हाँ 156 को हम लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस कितना 24 है ना। अच्छा 180 माइनस 24 तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस करने पे नेगेटिव आता है, तो कॉस 90 प्लस 66 नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे मर्जी लिखो तुम, ये लिख लेते हैं चलो, और उसमें गड़बड़ होगी क्या, कॉस आपने बोला क्या लिखूं 90 प्लस 66 किसी माइंड में ही आता है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्यों नहीं करना चाह रहा। उसका रीजन है कॉस ए प्लस कॉस बी की तो आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, लेकिन अगर कॉस ए प्लस साइन भी लिखा हुआ है तो फिर आइडेंटिटी नहीं है मेरे पास। तो अब क्या होगा, जो तुमने 90 लिख दिया, अब 90 की वजह से पता है क्या बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा, कॉस ही रहेगा 66 या साइन बन जाएगा, अब तो साइन बन जाएगा, साइन कितना 66 और साइन क्या आएगा इसका पॉजिटिव या नेगेटिव ये बता दो। नेगेटिव आएगा क्योंकि 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट और कॉस की इसकी वैल्यू देखते हैं, ये जो लिखा होता है ओरिजिनल क्वेश्चन की, ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉस लिखा है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर कई बच्चों को लगता है साइन आ गया तो पॉजिटिव लिख दो, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ऊपर वाले को देखना है तो नेगेटिव आएगा, तो मैं साइन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा इसलिए नहीं लिख रहा, क्लियर है। Yes, sir. और ज्यादातर क्वेश्चंस में करते भी नहीं है, 180, 360 इन्हें में ब्रेक करते हैं, 90 प्लस करके कर सकते हैं बट करते नहीं है ज्यादातर, इसी वजह से नहीं करते, क्लियर है। चलो फिर मैंने क्या लिखा बता दो, इसको क्या लिख दूं, माइनस का क्या, माइनस का कितना लिख दो बताओ, कॉस कितना आएगा माइनस का 24 है ना, और दूसरे वाला क्या आएगा कॉस 48, ठीक है भाई। यस सर। अब बताओ किसको पेयर अप करूं, मतलब अब इसमें चार हैं तो cos a plus cos b लिखूं या cos a minus cos b, किस में आइडेंटिटी लगाऊं, किन दो में मतलब पेयर अप करके आइडेंटिटी लगाऊं, अब ये सोचना तुम्हें कि किन दो को पेयर अप करोगे तुम, सर फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को कर दें, क्यों, रीजन, फर्स्ट और लास्ट में अगर 12 प्लस 48 करते हो तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, है ना, और cos a plus cos b, cos a minus cos b, आपको पता है एंगल a plus b by 2 और एक बार a minus b by 2 करते हो तो कम से कम 60 का आप 30 पे आपको वैल्यू पता है ना, इनका लगा दे। यस सर। ठीक है लगा दिया, बताओ क्या लिखूं, cos 12 minus cos 48 लिखा है और प्लस cos 84 minus cos 24, ठीक है, तो इन दोनों की आइडेंटिटी बताओ क्या होती थी, cos a minus cos b, कोई बताएगा क्या होती है आइडेंटिटी, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2 है ना, ये होता ना, तो ए प्लस बी बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 60 बाय 2 30 आएगा, और साइन ए माइनस बी बाय 2 करोगे तो माइनस का क्या, हाँ हाँ सर एक हाफ वाली होती है 1 बाय 2 करके, हाफ वाली क्या, एक हाफ वाली आप ये बोल रहे हो क्या, आप ये बोल रहे हो क्या कॉस ए कॉस बी की, बेटा शायद बोल रहे हो आप हाफ cos a plus b plus cos a minus b, ये वाली बोल रहे हो क्या, yes sir, sorry sir, तो बेटा ये वाली identity लगेगी इसमें या जो मैं लगा रहा हूँ वो लगेगी बेटा, जो आप लगा रहे हो, तो यार वो confusion मत करो, मैंने इसलिए तो पूछा था कि formula किस किस बच्चे को याद है, देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, पता है मैं ये लिख रहा हूँ cos a minus cos b की identity लिख रहा हूँ, minus लिखा है बीच में, तो ये identity होती है sin a plus b by 2 sin a minus b by 2, और जो तुम बोल रहे हो वो ये वाली आइडेंटिटी बोल रहे हो तुम, कॉस ए कॉस बी, वो ये होती है जो तुम बोल रहे हो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे चार चार फॉर्मूले होते हैं ना, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी और टू कॉस ए साइन बी, है ना, ऐसे चार इसके होते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, तो मैं ये वाली लगा रहा हूँ, तो इसमें मैंने क्या करा, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 करके हाफ कर दिया, ए प्लस बी बाई 2, तो मेरा 30 आ जाएगा, 48 और 12 का 60 होगा सम, अब जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 36 आएगा, माइनस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और कैसा आएगा, नेगेटिव 18 होगा, तो साइन में नेगेटिव, अगर एंगल नेगेटिव है तो बाहर निकाल सकते हैं नेगेटिव, तो बाहर वाला जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बना दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया 18, क्लियर है। यस सर। अब इसका भी बता दो दूसरे का, इसमें भी क्या होगा, माइनस का 2 साइन, बताओ क्या आएगा, 84 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, बताओ कितना आएगा, 84 plus 24 divide by 2 कितना हो गया, 108 by 2 है ना, 54 कितना होगा, 54 ठीक है, next sin ही आएगा दोबारा, इस बार होगा a minus b by 2, तो a minus b by 2 करो तो कितना आएगा,
60 का हाफ हो गया 30. इस बार पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आएगा? नो सर, नहीं आएगा. अब इतना करने के बाद तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, 30 पे तो वैल्यू पता ही है. 54 और 18 अभी बताया था ना मैंने पीछे, याद है? यस सर. तो वो वैल्यूज जो मैंने बताई थी इसलिए बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इनका यूज होगा कहीं ना कहीं. जैसे हमें 0, 30, 45, 60, 90 पे पता होनी चाहिए, ऐसी ये वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक दो वैल्यूज और होती है, जैसे मैं कह देता हूँ साइन 50 निकालो, तो वो तो निकाल लोगे तुम, लर्न भी नहीं है तो. साइन 15, 10, 15, 15 वाले जो एंगल पे वैल्यू होती है वो आप निकाल लोगे. कैसे? 45 - 30 कर लो या 60 - 45 कर लो, है ना? तो वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, निकाल लोगे आप. लेकिन अगर लर्न कर सकते हो तो वो भी लर्न कर लो, बेटर है. ठीक है, आया समझ में सभी को? सर ऊपर करने दो. यस हाँ बेटा, ठीक है यहाँ तक? यस सर. ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. ऐसे दे दिया कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80. इसकी वैल्यू निकालने क्या होगी? ऑप्शंस हैं 1/8, 3/16, 1/16 और डी 1/4. तो सबसे पहले हमने एंगल देखा जिसमें साइन 60 तो मुझे पता है क्या होता है डायरेक्टली, तो साइन 60 की वैल्यू डायरेक्टली लिख दी हाफ और बाकी सारे अंदर लिख दिए. साइन 20, सॉरी कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, इतना लिख दिया. अब क्या करें? अब इसमें जो आप आइडेंटिटी बोल रहे थे वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये वाली. टू कॉस से कॉस भी टू नहीं है तो हाफ लिखकर कर सकते हैं ना ब्रेक. तो इन दोनों को मैंने लेकर आइडेंटिटी लगा दी, हाफ अंदर वाला बाहर वाला हाफ, फिर हाफ लगाकर कॉस ए प्लस कॉस बी लिखना है, कॉस ए प्लस बी लिखना है तो कितना आएगा कॉस 60, और एक बार प्लस लिखकर कॉस ए माइनस बी करना है तो 20 - 40 करके -20 आएगा, लेकिन कॉस नेगेटिव में भी प्लस होता है तो प्लस ही आएगा, और बाहर चल रहा है कॉस 80 मल्टीप्लाई में. ठीक है, फिर दोबारा इसको ओपन करा, थोड़ा सा 1/4 बाहर लिख दिया तो क्या आएगा? कॉस 60 की वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ, प्लस का कॉस 20 नहीं पता और मल्टीप्लाई में चल रहा है कॉस 80. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा तो क्या आएगा? 1/4, हाफ से एक बार कॉस 80 मल्टीप्लाई होगा और कॉस 20 से कॉस 80 मल्टीप्लाई होगा. अब ना तो मुझे वैल्यू कॉस 20 की पता है ना ही कॉस 80 की पता, इन दोनों में भी फिर वही हाफ वाला फॉर्मूला लगा दिया. क्या होता है बताओ, क्या था? हाफ कितना कॉस, एक बार प्लस करते हैं एंगल्स को, 20 और 80 को कितना आएगा 100, और प्लस कॉस करते हैं माइनस, तो माइनस करके क्या आएगा? 20 - 80 होगा -60, लेकिन प्लस का ही बन जाएगा. ठीक है, ये आ गया हमारा, इन दोनों का हाफ भी कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1/8. 1/8 क्या बचा? कॉस 80 बचा. अच्छा, कॉस 100 तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 90 से बड़ा, तो कॉस 100 को अगर मैं कॉस 180 माइनस लिखूं तो कितना हो जाएगा? कॉस 180 माइनस 80 आएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस का कॉस 80 आ जाएगा ना, क्लियर? यस सर. कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो ये आपका अपने आप ही एलिमिनेट हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी. तो 1/8 × 1/2 करके क्या आ गया आंसर? 1/16. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्लियर, आए समझ में? यस सर. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स से. अच्छा, अगर ऐसी 10 में आ जाता, लेट्स से क्वेश्चन आ गया. अच्छा, आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो 10 a+ a+-b का, क्या होता है 10 a+ - b? क्या होती है आइडेंटिटी? 10 a+ - 10 b डिवाइड बाय 1 - 10 a 10 b, है ना? अगर कोई कहे कि इसकी आइडेंटिटी होती है क्या, मैं निकाल सकता हूँ 10 a+ b की, इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है ना? बताओ. बताओ भाई, 10 a+ 10 b ऐसा तो नहीं पढ़ा ना मैं, लेकिन हम यहां से नहीं निकाल सकते 10 a+ 10 b की आइडेंटिटी? ऐसे लिख सकते हैं 10 a+ b मल्टीप्लाई में क्या 1 - 10 a 10 b, ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो कहीं पर अगर 10 a+ 10 b की आइडेंटिटी लगानी हो तो ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं ऐसे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने मैनिपुलेट करके जो राइट साइड पे न्यूमरेटर वाला पार्ट था उसकी वैल्यू ऐसे निकाल दी. क्लियर है?
आया समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा मैंने आप क्वेश्चन दिया है, लेट्स से साइन 6, साइन 42, साइन 66 और साइन 78, इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। ऑप्शन नहीं दे रहा इस बारी, तो कैसे इवेल्यूएट करेंगे इसकी वैल्यू? सबसे पहले हमने देखा 6 डिग्री है, 42 डिग्री है, 66 और 78 सारे के सारे एक्यूट है, 90 से कम है, तो ब्रेक करने का तो कोई लॉजिक नहीं है कि ब्रेक करो एंगल को, और डायरेक्टली वैल्यू भी नहीं पता कोई, ना तो जो प्रॉपर स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, ना तो वो है, ना ही आपके 18 वाला कुछ बनेगा, तो फिर क्या करें? अच्छा 78 में अगर 12 ऐड करें तो 90 आता, राइट? है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अगर साइन 78 के साथ साइन 12 और हो जाता, मतलब ऐसे हो जाता साइन 12 साइन 78, तो हम फिर इसमें आइडेंटिटी लगा सकते थे हाफ वाली, तो 12 प्लस 78 को ऐड करके कितना हो जाता? 90 हो जाता, और माइनस करते तो कितना था? 66 है ना, तो यहां पर साइन 66 लिखा भी हुआ है। तो हमने क्या करा, मैनिपुलेशन ऐसे कर दी, क्या करा, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, किससे करें? कॉस, अच्छा इसका एक मैं पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं तुम्हें, या चलो ऐसे करा फॉर्मूला बताऊंगा भी, पहले समझा देता हूं। लेट्स से मैंने क्या करा, साइन 6 को कॉस 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 कॉस 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 कॉस 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर है? Yes. बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज साइन 78, ठीक है यहां तक आ गया। अब ये वाली किसकी आइडेंटिटी बन गई बताओ, ये क्या होता है? साइन 12 होता है, राइट? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना, ये क्लियर है? ठीक है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो आपका साइन 12 बन जाएगा, राइट? क्लियर है यहां तक? बोल के बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा अब अभी अब हमने देखा कि साइन 12 और साइन 78 आ रहा है वहां पे, और हमें पता है कि 12 प्लस 78 करके क्या बन जाएगा हमारा, 90 बन जाएगा। अच्छा अगर मैं 66 देखूं 90 से कितना कम है बताओ? 24। कितना? 24 है ना? 24, राइट? ठीक है। अच्छा तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं साइन 66 को, तो मैं कॉस में कितना लिख सकता हूं बताओ? साइन 66 को कॉस में क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कॉस क्या लिख सकते हैं? 12 है ना, ये ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा अब आपने नोटिस करा कि इन दोनों को 12 और cos 12 और sin 12 को लेकर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो sin क्या लिख दूंगा? 24, sin 42 और cos 24 as it is, डिवाइड में क्या, डिवाइड में एक 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2 की जगह पहले 2 था तो 4 cos 6 हो जाएगा, ये क्लियर है? ठीक है भाई। नेक्स्ट अब आपने नोटिस करा कि साइन 24 कॉस 24 दोनों आ रहे हैं, फिर एक और 2 से डिवाइड कर दिया, 1/8 कॉस 6 और साइन 2 साइन 24 कॉस 24 साइन डबल एंगल हो जाएगा 48 है ना, ये ठीक है? अब लास्ट है, साइन 48 भी आ गया, साइन 42 आ गया, तो 48 या 42 में से किसी एक को चेंज कर लो, साइन को कॉस बना दो, किसको बनाए? किसी को भी बना दो, बोलो किसको बनाए? 42 का डबल, और नीचे हो जाएगा 16 cos 6। अब ना तो मुझे 84 की वैल्यू पता ना 6 की वैल्यू पता, तो वो क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि लास्ट में पूरा सॉल्व हो जाता है, तो आपको पता है कि साइन 84 को cos 6 भी तो लिख सकते हैं, है ना भाई? तो आंसर 1/16 आ गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है,
तो इस तरह से मैनिपुलेशन करके आपको एडजस्ट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नोटिस करा क्या कि साइन 6 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी एंगल जो है 42, 66, 78 लिखे हुए हैं। 78 में 12 और ऐड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 12 होगा इसका, है ना। तो हमने क्या करा, साइन 78 को वैसे तो हम कॉस 12 भी लिख सकते हैं, तो हमने पहले लिखा नहीं, बाद में लिखा यहाँ पर साइन 78 को कॉस 12। तो आपने नोटिस करा कि ऊपर साइन 6 था और कॉस 12 लिखा हुआ है। तो साइन 2x का अगर फॉर्मूला बनाना है तो साथ में साइन क्या होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, लेकिन साइन 6 था तो साइन 6 के साथ कॉस 6 होगा, तभी वो डबल एंगल वाला फॉर्मूला बनेगा। तो हमने स्टार्ट ऐसे कर दिया, साइन 6 कॉस 6 लिखकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, चेन बन गई, मतलब बार बार हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो एंगल बनते जा रहे हैं और लास्ट में जाकर मैनिपुलेशन कर दोनों ऊपर नीचे सेम आ गए, तो 1/16 आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। ठीक है, मतलब फॉर्मूले बताने के, तो मतलब जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े वो तो लाइक कर लिए रन, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, तो बनाने को तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे तुम्हारे, 50-60-70 बन जाएंगे फॉर्मूले, और लर्न कर लो, फॉर्मूले से भी फॉर्मूले बन जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाते हैं। तो लाइक मैं कहूँगा कम से कम लर्न करो, क्योंकि ज्यादा इतने लर्न नहीं होंगे और भूलोगे उन्हें फिर बार बार, लेकिन कम से कम जो स्टैंडर्ड जो पता है तुम्हें, 11th वाले फॉर्मूले या जो मैंने थोड़े से बताए हैं इंपॉर्टेंट ही वाले, ये आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, क्लियर है? Yes, जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे आईबी में, जेई में, जैसे क्वेश्चन है पहले मान लिया थीटा की वैल्यू, मैं कह देता हूँ पहले से ही थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, और आपको फाइंड करनी है, फाइंड करना है एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की होल पावर 4 प्लस 6 टाइम्स लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर स्क्वायर और प्लस का 4 साइन की पावर 6 थीटा, ये इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसकी वैल्यू नंबर नहीं दिया हुआ, ऐसे ऑप्शन दिया है, लेट्स से ऑप्शन दिया हुआ है 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन दिया हुआ है 13 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा। सी ऑप्शन दिया हुआ है 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर प्लस 6 कॉस की पावर 4 थीटा। और डी ऑप्शन दिया हुआ है 13 माइनस 4 कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ओपन कैसे करोगे, तो जो सबसे पहले लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की और 4 लिखी है, पहले तो स्क्वायर ही ओपन करोगे, राइट। तो स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो आएगा, अब मेंटली कर लो थोड़ा सा, देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, उसका भी होल स्क्वायर होगा, तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये लिख लो डायरेक्टली 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस ऐसी दूसरे वाले को भी ओपन कर लिया 6 टाइम्स कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर हट जाएगा इसका, और प्लस में चल रहा है 4 साइन 6 थीटा, इसको एज इट इज रखा, अभी कुछ नहीं पता इसका क्या करना है। अच्छा, ज्यादातर जो ऑप्शन है किसी में भी साइन की पावर 6 लिखी हुई है, ऑब्जर्व करो। नो सर, क्योंकि देखो मैंने बोला था अगर यार फॉर्मूले बहुत सारे आप कहीं भी रेंडमली लगाते रहोगे ना, तो आंसर तक कभी पहुंचोगे ही नहीं, तो हमेशा जो ऑप्शन दिए हुए हैं या क्वेश्चन में जो टर्म्स लिखी हुई है उनको देखकर थोड़ा थोड़ा आगे सोचना है, नहीं तो ऐसे अगर मैं किसी का भी फॉर्मूला कहीं पे भी लगाने लग गया तो जो लाना है वो आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया ये बात कि भाई कहीं पर भी साइन की और 6 लिखा ही नहीं हुआ किसी भी क्वेश्चन में, किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, और नन ऑफ दीज है नहीं, तो इनमें से ये तो साइन 6 को गायब तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने नहीं करा क्योंकि अभी ये वाले टर्म्स को मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा क्या करना है। तो अब बताओ आगे क्या करें, इसके बाद यहाँ तक अटक गया, अब इसको चलो ओपन कर देता हूँ, इसका भी होकर ओपन कर दो, क्या आएगा, 1 आएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर आएगा और माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन की पावर, अभी भी इसको ऐसे लिखते हैं। अब ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 3 आ गया प्लस का 12 आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस का 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ कट रहा है क्या, 12 sin theta cos theta, भाई ये तो कट गया कम से कम। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 3 प्लस 6 हो गया 9 प्लस का 12 हो गया sin square cos square और
प्लस का आ गया फोर साइन की और सिक्स थीटा, ये आ गया। अब क्या करें, अब यहां पर अटक गया। अच्छा हमने नोटिस करा कि ज्यादातर ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है 13 है, सभी में दिख रहा है बात सभी को? यस सर। अगर 13 आ रहा है तो यानी कि 9 प्लस 4 करके आएगा, तो यानी जो 4 साइन, जो हम 6 की बात कर रहे थे कि साइन 6 को हटाना है, तो साइन 6 को कुछ ऐसे लिखना है। बताओ क्या लिखें, साइन के और 6 को क्या लिखें? कॉस में चेंज कर सकते हैं राइट। अब साइन 6 का डायरेक्टली कोई कॉस 6 में तो फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा पहले और उसका होल क्यूब कर देता हूं, ठीक है भाई? तो ये वाला एज इट इज रखते हैं। 4 साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखोगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर और उसका भी क्यूब, तो चलो क्यूब कर दो, बताओ क्या होता है क्यूब? क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना? यस माइनस बी क्यूब। फिर क्या होता है 3a प्लस 3a स्क्वायर भी आता है या 3ab माइनस का होता है? 3ab स्क्वायर कैसा लिखूंगा? प्लस का, प्लस 3ab प्लस का लिखूंगा 3ab स्क्वायर। 3a, a तो 1 ही है और b का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 4 आ जाएगा राइट, और माइनस का आएगा 3 cos स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, ओपन करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 12 sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4 cos की और 6 प्लस का 12 cos की और 4 माइनस का 12 cos स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें से नोटिस करा हमने 9 प्लस आपका 4 जो था मेन, जो 13 था वो आ गया। 13 के बाद बाकी सारी कॉस वाली टर्म्स हैं और यहां पर जो लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर कॉस को लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हो। क्या लिखोगे अगर लिखना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में कॉस स्क्वायर चल रहा है। और कुछ लाइक टर्म्स हैं नहीं, 4 कॉस की और 6 एज इट इज आएगा, 12 कॉस की और 4 भी एज इट इज आएगा, माइनस का 12 कॉस स्क्वायर भी एज इट इज आएगा, ठीक है? ओपन करा तो क्या आएगा 12 cos square आएगा और माइनस का 12 cos की और 4 आएगा राइट, और यहां चल रहा है माइनस का 4 cos की और 6 थीटा प्लस का 12 cos की और 4 थीटा माइनस का 12 cos square थीटा। अच्छा देखो आपने देखा कि ये दोनों तो कट गए, तो आ गया आंसर 13 माइनस 4 cos की और 6 थीटा, लिखा हुआ है कहीं पे? बी ऑप्शन, ठीक है? तो देखो अगर आप रेंडमली फॉर्मूला किसी का कहीं भी लगा दोगे, मान लो मैंने यहां पर साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर को लिख दिया होता 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो फिर आंसर ही नहीं आता, फिर और पता नहीं कहां मैनिपुलेशन और करना पड़ता। तो ये जो मैंने साइन की और 6 को भी चेंज करा, वो क्यों चेंज करा? क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी साइन की और 6 नहीं था, कॉस की और 6 था, तो ये तो समझ में आ गया था कि कॉस बनाना है उसे, और जैसे ही उसे बनाया अपने आप ही जो दो टर्म एक्स्ट्रा थी कॉस 2 12 कॉस स्क्वायर और माइनस का 12 कॉस 4 वो कट ही गई, आंसर ही आ गया, ठीक है? लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करनी है वैल्यू कॉस क्यूब पाई बाय 8 कॉस 3 पाई बाय 8 फिर प्लस साइन क्यूब पाई बाय 8 और साइन 3 पाई बाय 8। तो देखकर मुझे बताओ ऑप्शन, चलो दे देता हूं इसके ऑप्शंस हैं 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 रूट 2, सी ऑप्शन है 1 बाय 2 और डी ऑप्शन है 1 बाय 4। सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी, मतलब कहां पे किसकी लगाएं, क्या समझ में आ रहा है? एक एंगल पाई बाय 8 है, एक एंगल 3 बाय 8 है, तो क्या करें? ब्रेक करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, दोनों छोटे हैं, पाई बाय 8 3 बाय 8 एक्यूटी है, तो फिर क्या करें? कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही, बताओ। या तो मैं कॉस क्यूब को ऐसे सोच सकता हूँ कि कॉस पाई बाय 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, तो कॉस स्क्वायर को अलग कर देता हूँ, मतलब ऐसे कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 को अलग कर देता हूँ और यहाँ पर कॉस पाई बाय 8 और कॉस 3 पाई बाय 8 के वो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लग जाएंगे ना, ऐसी साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को अलग कर देते हैं और साइन पाई बाय 8 और साइन 3 पाई बाय 8 का वो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है भाई? ऐसे कर सकते हैं और इनके भी वो लगा देते हैं फॉर्मूले, कौन से? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर के लिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ऐसा करने से क्या होगा, जो पाई बाई 8 है पाई बाई 8 का डबल करने पर पाई बाई 4 बन जाएगा, जो मुझे पता है, और इनमें भी अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो एक बार प्लस करूंगा एंगल, एक बार माइनस करूंगा, जब प्लस करूंगा तो कितना आएगा, प्लस करूंगा तो आएगा 4 पाई बाई 8 जो कि हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस करूंगा तो आएगा क्या आएगा, माइनस करके 2 पाई बाई 8 आएगा, 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4 होता है, तो ये बात समझ में आ गई? इतना देख कर मतलब समझ में आ गया कि लगाकर आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक है? यस सर। बोलो भाई,
अच्छा मैंने कहा था ऐसा नहीं कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोचोगे तुम सोचोगे कि सर को कैसे पता लगा ये वाला कि सर ने आंसर देखा हुआ है क्या, सर को पता है, तो मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ। अब मैं एक और तरह से भी सोच सकता हूँ, मुझे एक और चीज समझ में आ रही है, मैं ऐसे कर सकता हूँ जो कॉस क्यूब लिखा है तो कॉस क्यूब की एक आइडेंटिटी होती थी, क्या होती थी? अच्छा ये वाला तो सभी को समझ में आ गया, ऐसे हो जाएगा? यस सर। मतलब यहाँ के बाद तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगा ना? मतलब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो कंफर्म है हो जाएगा ये, ठीक है? अच्छा मैंने अब दूसरे तरह से सोचा, मैंने एक और तरह मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई कॉस क्यूब लिखा हुआ है तो कॉस क्यूब की तो एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है बताओ? 4 cos क्यूब। क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे दोबारा बोलो? 4 cos क्यूब थीटा माइनस, नहीं नहीं आप तो पहले cos थीटा किया, चलो लिख लो पहले। हाँ क्या होती है? 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos थीटा। तो अगर मैं सिर्फ cos क्यूब की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा और डिवाइड बाय 4 है ना, तो इसकी जगह ना इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं भाई cos 3 टाइम्स कर देते हैं 3 पाई बाय 8 हो जाएगा, प्लस का 3 cos पाई बाय t रखते हैं और मल्टीप्लाई में वही cos 3 पाई बाय 8 3 पाई बाय 8 ऐसी साइन में लगा देते हैं। साइन में क्या आएगा बताओ? साइन में ऐसे आएगा 3 sin थीटा माइनस का sin क्यूब sin 3 थीटा डिवाइड बाय 4। अच्छा डिवाइड बाय 4 नहीं लिखा मैंने, दोनों के डिवाइड में 4 भी आएगा और साथ में चल रहा है साइन 3 बाय 8, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, साइन क्यूब की और कॉस क्यूब की जो आइडेंटिटी थी वो लगा दी, ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो इसको देखकर भी आपको लग रहा होगा कि समझ में मतलब आंसर आ जाएगा, कैसे? देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मतलब ये तो बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन लग रहा है पर देखकर समझ में आ जाता है जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर को आप क्या करोगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिखोगे, तो आपको बस एंगल समझना है कि एंगल क्या आएगा 6x 6 पाई डिवाइड बाय 8 आएगा, 6 पाई बाय 8 का मतलब हो गया 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 4 निकाल कर आंसर आ जाएगा। और यहां पर जो आएगा यहां पर आएगा 3 टाइम्स cos पाई बाय 8 cos 3 पाई बाय 8, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो जब प्लस करूंगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा, जब माइनस करूंगा तो एक मिनट जब प्लस करूंगा तो आएगा पाई बाय 2 सॉरी, और माइनस करूंगा तो आएगा पाई बाय 4, तो वो भी वैल्यू पता है मुझे। सेम चीज यहां पर समझ आ गया, ठीक है? यस सर। तो अब इन दोनों में से कौन सा लेंथी है कौन सा इजी है ये आपको जज करना है। तो मुझे लग रहा है पहले वाला जो मैंने करा था पहले वाला थोड़ा सा मेरे ख्याल से दोनों सेम ही है, इसमें मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाना है उसमें भी एक स्टेप के बाद आ ही गया था, तो दोनों में से कोई इतना ऐसा नहीं है कि कौन सा बहुत ज्यादा लेंथी है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, क्लियर है? ठीक है yes, sir. चलो नेक्स्ट है। अच्छा अब एक क्वेश्चन दिया मैंने, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई एक तरीका नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही करोगे तभी आएगा आंसर, वो तो माइंड में क्या उस टाइम पे क्या क्लिक करता है उस हिसाब से सोचना है। पर क्या होता है ना जो आपके माइंड में आ रहा है फॉर्मूला एक स्टेप है ना थोड़ा सा आगे सोच लेना कि तुम्हारा ऐसा आंसर आ रहा है, या अगर मेंटली नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा रफ में लिखकर मतलब होता है ना पता लगा लिया कि भाई कुछ ऐसा आएगा। अब वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि वो तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर आगे उसको कंटिन्यू मत करो, फिर कुछ और सोचो, नहीं तो क्या होगा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? मान लो ये दिया हुआ है, अब मुझे इसको देखकर बताओ इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, और इसकी वैल्यू ऑप्शन दे दिए 1/2 3/2 3/4 और डी नन। चलो बताओ क्या करें सबसे पहले, मतलब देखकर क्या समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, ना तो 10 पे पता ना 50 पे पता मुझे वैल्यू, तो मैं क्या करूं बताओ भी? बोलो भाई क्या करें, किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है? सर cos a बेटा दो बेटा दो cos स्क्वायर लिखे हुए हैं, cos स्क्वायर तो मैंने बोला था यार cos b का होल स्क्वायर, नहीं यार होल स्क्वायर कहां बनेगा, वो माइनस 2 नहीं है ना, 2 होता तो बन जाता, सही कह रहे हो पर 2 नहीं है, 2 प्रॉब्लम कर देगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं कि cos स्क्वायर दो cos स्क्वायर दिख रहे हैं तो यार वो वाला फार्मूला लगा दे 1 + cos डबल एंगल कर देते हैं 20/2 और इसको लिख देते हैं 1 + cos 100/2, ये ठीक है? और ये जो बीच में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है इसको भी कर सकते हैं क्या, हाफ क्या हाफ कॉस कितना a प्लस b
60 हो गया, और दूसरा क्या आ जाएगा 40, ठीक है? यस सर, ठीक है, ओके। अभी 20 पे भी नहीं पता, 100 पे नहीं पता, 100 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रेक करके बताओ, 180 माइनस 80 माइनस कॉस 80 लिख सकता हूँ ना, ठीक है? यस सर, पर चलो अगर एलसीएम लिया हमने, सबका हाफ निकाल दो बाहर, सबका हाफ बाहर निकाल दो, एक बारी हाफ बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 20 माइनस का कॉस 60 माइनस का कॉस 40 और माइनस नहीं प्लस का 1 और प्लस का कॉस 100, ठीक है ये आ गया। इसमें से भी कॉस 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, इसको भूल जाओ। अब 100 को चलो ब्रेक करके मैं लिख देता हूँ, क्या 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 में से हाफ गया कितना बचेगा, 2 में से हाफ गया 3/2, यस सर, तो मेरे पास बचा कॉस 20 बचा, कॉस 40 बचा और प्लस का कॉस 100 की जगह लिख देता हूँ क्या, माइनस कॉस 80, ठीक है? अब बताओ कौन से दो एंगल्स को पेयर अप करूं? अब यहाँ पे पेयर अप करना है यार, 40 और 80 को ना कर ले, 40 और 80 का सम करके 120 आएगा, 120 का हाफ 60 और 80 को भी कर सकते हैं वैसे। हाँ मतलब ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि दोनों से आंसर आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा उन दोनों के साइन नेगेटिव है तो उनका नेगेटिव साइन बाहर निकाल के उनका कर लेता हूँ, ठीक है? मान लो चलो तुम कह रहे हो कि 20 और 80 को कर दूं, यही कह रहे हो ना? सर नो, 20 और 40 को, 20 और 40 को, चलो 20 और 40 को कर दिया तो क्या आएगा बताओ, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखा हुआ तो माइनस का 2, माइनस का 2 साइन, नहीं नहीं जब माइनस होता है कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी होती है, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2, क्या आएगा 60 बाय 2 आएगा 30, और साइन ए माइनस बी बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 20 माइनस 40 कितना हो गया, 20 माइनस 40 माइनस का 20 डिवाइड बाय 2 माइनस 10, तो माइनस का 10 है तो ये प्लस बन जाएगा और यहाँ प्लस 10 हो जाएगा, क्लियर है? यस सर, ठीक है, 30 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 30 हाफ होता है तो ये 2 काट दो, तो अब आपका बचा हाफ। अब वो मैंने कहा था कुछ ऐसा होता है कि एडजस्ट हो जाता है सब, तो ये आ गया आपका साइन 10, और कॉस 80 को आप साइन 10 ही तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? यस सर, तो आंसर आ गया 3/4, ठीक है? तो मैंने जैसे बोला कि आपने बोला कि 20-40 को लेके कर लो, मैं 40-80 को लेके कर रहा था, तो कैसे भी कर लो, लेकिन आपको ये हाफ एंगल जो मैंने बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली इस तरह से मैनिपुलेट करके चेंज कर सकते हैं, क्लियर? मतलब स्क्वायर हटाने के लिए एक तरीका हो गया इस तरह से एंगल की फॉर्म में, ताकि हम कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी आइडेंटिटी लगा पाए, क्योंकि जब तक स्क्वायर लिखा तो आइडेंटिटी नहीं वर्क करती, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ये लगाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्लियर? समझ में आया बेटा सभी को यहां तक? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, लेट से ऐसा आ गया, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेट से क्वेश्चन दे दिया लेट से लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मुझे बतानी है, मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी, तो क्या करें सर? वो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले एक आपको पता होगा कुछ ऐसे लिखा ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू लेट से सी लिखाओ, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनकी कॉफिशियंट के स्क्वायर रूट से इस तरह से करके साइन थीटा प्लस बी को भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा और सी को भी ऐसे कर सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों साइड क्या कर दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, या सिर्फ ए की साइड इक्वालिटी है ही नहीं तो आप क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो साइन और कॉस के वो कितने वेरिएबल कॉफिशियंट कितने 1-1 है ना, तो 1-1 का स्क्वायर करके 1-1 2 आएगा और रूट 2 आएगा, तो रूट 2 से आप क्या करो डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई, तो रूट 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा के साथ आ गया 1/√2 और कॉस थीटा के साथ भी क्या आ गया 1/√2, ठीक है? अच्छा अब आपको पता है कि दोनों की वैल्यूज 1/√2 कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 45 डिग्री और इसको लिख सकता हूँ साइन 45 इंटू में कॉस थीटा, ये ठीक है? यस सर। अब आपको दिख गया होगा एक फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई किसकी, साइन ए प्लस बी की बन गई। यस सर। अच्छा एंगल चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो एंगल, थीटा की वैल्यू उसने बोली तो नहीं कि क्या है, उसने तो कहा मैक्सिमम मिनिमम बताओ,
तो साइन आपको पता है कि कोई भी एंगल लिखा हो साइन है वो कहां से कहां तक होता है, माइनस वन से लेकर वन तक होता है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि साइन थीटा प्लस पाई बाय फोर जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू माइनस वन से लेकर वन के बीच में है या इक्वल भी हो सकती है, तो रूट टू अगर साथ में मल्टीप्लाई कर दे तो मैक्सिमम कितनी आ गई वैल्यू, कितनी आ जाएगी भाई, माइनस रूट टू से लेकर प्लस रूट टू, यानी कि मिनिमम क्या होगा माइनस रूट टू, इससे कम नहीं होगा और मैक्सिमम कितना होगा रूट टू। क्लियर है? यस सर। यस सर। आया भी सभी को समझ में? क्लियर है सर। ऊपर करना इसमें बोलो किसी को डाउट है तो सर ऊपर करना स्लाइड। हाँ बेटा, मतलब क्या करते हैं साइन और कॉस के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके एड अप करके रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या होगा आपका कोई एक स्टैंडर्ड एंगल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 बाय रूट टू दोनों पे हमें पता है साइन 45 कॉस 45 पे होता है ना, तो हमने क्या कर दिया उसको सिंगल इस तरह से एंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा मैं अभी एक डेरिवेशन भी करा देता हूँ तुम्हें, ताकि ये जो मैंने करा है ये तो मैंने करके दिखाया, अब इसका एक डेरिवेशन करा देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला ही लर्न करा देता हूँ डायरेक्टली कि मैक्सिमम मिनिमम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कैसे लिखना है। ठीक है करें। देखो अब लेट से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक टाइप बता रहा हूँ ये याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ लेट से कुछ ऐसा लिखा कुछ भी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, यहां तो मैंने एग्जांपल ले लिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी ए और बी मैंने वन वन ले लिया था, तो मैक्सिमम मिनिमम कितनी आ रही थी रूट टू और माइनस रूट टू। अब एक फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं कि मान लो कोएफिशिएंट वन वन नहीं है कुछ और भी लिखे हैं कुछ भी, तो फिर कैसे निकालोगे मैक्सिमम मिनिमम, उसके लिए क्या करना है मैंने क्या कर दिया लेट कर लिया, पहले लेट कर लिया ए को मान लिया मैंने आर कॉस ए और बी को मान लिया आर आर साइन ए मान लिया। ठीक है, ये जो कोफिशियंट है ए और बी इनको मैंने मान लिया किसी एक एंगल पर, कॉस ए का कुछ आर टाइम्स होगा और बी का बी इक्वल टू होगा आर साइन ए। ठीक है, ऐसा मान लिया, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अच्छा ऐसा ऐसा करने से अगर मैं साइन ए और कॉस ए की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालता हूं, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी ए बाय आर और साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी बी बाय आर। ठीक है यहां तक, मतलब मैंने मान लिया कि कहीं पर कॉस एक एंगल होगा जहां पर एक में ए बाय आर होगा एक में बी बाय आर होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तभी वर्क करेगा ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तुम्हें पता है क्या होता है, बताओ क्या होता है, वन होता है, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वन आ गया, तो आपका जो एंगल ए था वो रिमूव हो गया यहाँ से, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस। अब तुम्हें पता है कि जो लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था ए कॉस थीटा क्या लिखा हुआ था ए, ये इस तरह से वर्क कर रहा है, देखो ए कॉस थीटा प्लस क्या लिखा हुआ था बी साइन थीटा लिखा हुआ था, राइट, इसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। लेट से मैंने इसको मान लिया कि जो हमने ए की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या थी ए की वैल्यू क्या थी हमारी आर कॉस ए माना था आपने, इसकी जगह लिख दिया आपने आर कॉस ए कॉस थीटा प्लस बी की जगह था आर साइन ए साइन थीटा, दोनों में से आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा कॉस ए कॉस थीटा प्लस का साइन ए साइन थीटा। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ, ये जो लिखा मैंने उल्टा कर दिया क्या, ए की वैल्यू मानी मैंने, हाँ ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई जो लिखा मैंने सर, किसकी आइडेंटिटी है, हाँ कॉस क्या कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी। अच्छा मैंने यहाँ पर थीटा लिखा है तो कॉस ए माइनस थीटा माइनस ए माइनस थीटा लिख दो या थीटा माइनस ए की बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस में ए माइनस बी और कॉस बी माइनस ए सेम है। अच्छा आपको फिर वही पता है कि कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, जैसे साइन होता है तो ये भी ऐसे होगा ना माइनस आर से लेकर प्लस आर तक, राइट, यही होगा ना, क्योंकि cos a माइनस थीटा cos चाहे कोई भी एंगल हो माइनस वन से वन होता है, तो r cos a माइनस थीटा जो होगा वो माइनस आर से लेकर प्लस आर होगा। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू हम निकाल चुके थे कितनी आई थी भाई, यही आई थी ना, कितनी आई थी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो समझ में आ गया
जो मैंने बताया था कि हमारा कितना आ रहा था, माइनस रूट टू से प्लस रूट टू आ रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस आर, यानी कि माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस आर, जो कि होगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ आया बेटा सभी को? यस सर। तो जो वो, तो जो साइन और कॉस के जो कॉफिशियंट देगा वो ऐसे देगा जिसमें ये वैलिड हो रहा होगा, मतलब क्या, जो मैंने कंडीशन बताई क्या, कि अगर आपने ए मान लिया आर कॉस ए, तो बी जो होगा वो आर साइन ए आ रहा होगा, मतलब आर यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, दोनों में सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो आर साइन ए बने ही ना, अगर नहीं बन रहा तो फिर ये वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, जैसे आपको इससे पहले कभी आपने पढ़ा है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, रेशन प्रोपोर्शन में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, कभी पढ़ा होगा, किसी को पता है कॉम्पोनेंट डिविडेंड, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये एक रेशन प्रोपोर्शन में एक टूल लगा लो कि ऑपरेशन होता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, जिससे कि रेशन प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ईजी हो जाते हैं कैलकुलेट करने, और इसका काफी यूज भी है। तो जैसे एक क्वेश्चन, पहले एक फॉर्मुला बता देता हूँ क्या है, इफ अगर आपको कोई कहता है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, ये दो रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब ये चार नंबर प्रोपोर्शन में है, तो अगर ऐसा है इफ, देन आप ऐसे लिख सकते हो अप्लाइंग अप्लाइंग सी एंड डी, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर आप लगाते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये वाली रेशियो भी इक्वल आएगी, करके देख लो, चेक कर लो बेशक से। जैसे एग्जाम्पल आपने क्या करा, थ्री बाई टू इक्वल टू आपने बोल दिया सिक्स बाई फोर है, तो थ्री प्लस टू डिवाइड बाई थ्री माइनस टू, सिक्स प्लस फोर डिवाइड बाई सिक्स माइनस फोर, ये भी इक्वल आएंगे, चेक करो ये कितना आ रहा है, फाइव बाई वन, और यहाँ आ रहा है टेन बाई टू, आ रहे ना इक्वल, क्लियर है? ठीक है, पर इस मतलब ये तो अप्लाई तो करना ठीक है, समझ में आ गया, बट इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज कहाँ होगा, तो एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको लगे समझ में आए कि कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन दिया वॉलेट से, किसने बोला if 10 beta is equal to, let's say किसने बोला cos theta, और 10 alpha दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है then 10 square theta by 2 की वैल्यू निकालो, और ऑप्शन दिए हुए हैं sin alpha minus beta divide by sin alpha plus beta, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है sin alpha plus beta divide by sin alpha minus beta, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है cos alpha minus beta divide by cos alpha plus beta, और डी ऑप्शन दिया हुआ है cos alpha plus beta ऊपर है और नीचे है let's say cos alpha minus beta। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें पूछा है sin square theta by 2 की वैल्यू निकालनी, तो पहले तो एंगल हाफ हुआ पड़ा इसमें, ये दिख रहा है, ओके, और जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ alpha और beta ही है, उनका हाफ नहीं है एंगल का। तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मैं 10 अल्फा डिवाइड बाय 10 बीटा करता हूं तो क्या आएगा, 1 बाय कॉस थीटा आएगा, ये क्लियर है? हमने क्या कर दिया, थीटा वाला एंगल को अलग कर दिया, ठीक है, ये बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाता हूं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कहता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार प्लस कर दो, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ, न्यूमरेटर में क्या लिख दो, क्या आएगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, डिवाइड में क्या आएगा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, नीचे माइनस कर दिया, और यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा राइट साइड पे जो लिखा है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे क्या आएगा, 1 नीचे क्या आएगा डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर, है ना, ठीक है, यस सर, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर, ठीक है। अब 2 से 2 तो कट गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर होता है cot स्क्वायर, cot स्क्वायर 10 स्क्वायर का उल्टा है ना, तो यानी कि एक काम करते हैं दोनों साइड रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, यानी कि इसको लिख देते हैं 10 स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहां पर 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ऊपर लिख देते हैं, और यहां नीचे लिख देते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ठीक है।
अब हमारा आंसर तो आ गया 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, लेकिन ये 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 की जो वैल्यू आई है इसमें से ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा बताओ क्या करें? 10 अल्फा 10 बीटा को साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होता है? साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, साइन कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, इसका एलसीएम लेके लिखोगे तो आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, और डिवाइड में आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह से डिवाइड में भी करना पड़ेगा, ये तो मैंने न्यूमरेटर में करा है सिर्फ, ये तो मैंने न्यूमरेटर वाला पार्ट करा, ये वाला पार्ट सॉल्व करा है, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा ये चीज, तो डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा बस और कुछ नहीं होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस में, और डिवाइड में वही कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये तो काट सकते हैं। अब न्यूमरेटर बता दो किसका फॉर्मूला बन रहा है, न्यूमरेटर में जो बना है ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा ना, तो ऑप्शन नंबर अल्फा माइनस बीटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो समझ आए कंपोनेंट डिविडेंडो को कैसे यूज कर सकते हैं, समझ में अभी? यस सर। ठीक है, तो कंपोनेंट डिविडेंडो लगाकर लाइक थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन याद रखना है कंपोनेंट और डिविडेंडो सभी को, ठीक है बेटा? क्लियर। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्री की ये तो होगी जनरल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ही मतलब लग रही है इनमें फॉर्मूला वगैरह, अब मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस आपको आना चाहिए ताकि बाकी चैप्टर का बेस आपका स्ट्रांग हो जाए। तो मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 से 2 पाई, और ऐसा दे दिया इक्वेशन, ये दे दी लॉग बेस हाफ है मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस प्लस की जगह इक्वालिटी और टू माइनस लॉग हाफ बेस कॉस एक्स मॉड के अंदर, ये दे दिया। और इस इक्वेशन का मतलब हमें सॉल्यूशन एक्स की वैल्यूज निकालनी है, और एक्स की वैल्यूज इस इंटरवल में होनी चाहिए जीरो से टू पाई के बीच में। तो जीरो से टू पाई में हमें बताना है इसके कितने ऐसे सॉल्यूशंस बनेंगे, सॉल्यूशन निकालना नहीं है नंबर काउंट करने की कितने होंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि लॉग दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो उसको लेफ्ट साइड वाले पे जो लिखा उसको राइट साइड पे लेके आओ पहले, तो सॉरी राइट को लेफ्ट पे लेके आओ। तो कॉस क्या हो जाएगा? हाफ मॉड साइन एक्स प्लस का लॉग हाफ बेस कॉस एक्स मॉड में इक्वल टू टू। अच्छा फिर आपको पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन अगर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट? तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग हाफ बेस मॉड साइन एक्स कॉस एक्स, एक मॉड में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? लॉग हटाते थे ना, याद है तुम्हें? मैंने कहा था अगर ऐसे लिखा इफ log a बेस b इक्वल टू c, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की पावर, सॉरी a की पावर c, राइट? ये होगा ना a की पावर c, है ना भाई? मतलब जो बेस होता था उसकी पावर जो राइट साइड पे लिखा वो रेज करा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉड साइन x cos x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हाफ की पावर 2, ठीक है भाई? यानी 1/4, है ना ये? ठीक है, तो कम से कम हमारा log हट गया, तो ये आ गया। अब क्या करें? अब देखते हैं किसी बच्चे को अगर फॉर्मुला याद है तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो साइन एक्स कॉस एक्स दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, इसको सिंगल बना दो, क्या लिख सकते हैं? साइन टू एक्स बाय टू लिख दो। यस सर। साइन टू एक्स बाय टू, और टू का मॉड करने का मतलब वो तो पॉजिटिव ही होता है, तो जो टू डिवाइड में आएगा उसको मॉड से बाहर निकाल कर फोर से ऐसे कटआउट कर सकते हो, तो क्या आ गया? साइन टू एक्स का मॉड इक्वल टू आ गया भाई हाफ, ये ठीक है? अच्छा तो अगर मॉड लगा हुआ है तो आपको याद होगा जब मॉड हटाते हैं तो इससे दो चीजें आएंगी, साइन टू एक्स की वैल्यू तो 1/2 भी होगी या फिर साइन टू एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 भी होगी, ठीक है? अच्छा उसने एक्स बोला था कहां से कहां तक है? उसने बोला था एक्स जो है वो बिलोंग करता है 0 से लेकर 2 पाई, तो फिर 2 एक्स कहां से बिलोंग करेगा? 0 से लेकर 4 पाई, है ना? यस सर। मतलब 0 से 2 पाई फिर एक और बार आगे 2 पाई से लेकर 4 पाई। अच्छा 2 पाई तो एक तरह से 0 ही हो जाता है, राइट? ये पता है? Yes, sir. जो 2 पाई होता है वो तो एक तरह से जीरो ही होता है। अच्छा कोई कहता है कि साइन जीरो और साइन पाई क्या दोनों सेम है? हाँ सेम है, जीरो के इक्वल होते हैं ना? Yes, sir. है ना? पर जीरो और पाई तो सेम नहीं है ना, मतलब अगर मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू जीरो डिग्री है और जीरो और एक पाई है, तो जीरो रेडियन और पाई रेडियन एक्स की वैल्यूज तो डिफरेंट है ना, वैल्यू साइन की सेम आती है पर जो एक्स की वैल्यूज है वो तो डिफरेंट है,
तो हमारे से जो पूछा गया वो ये पूछा गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू डिफरेंट बतानी है 0 से 2 पाई के बीच में। तो अगर x 0 से 2 पाई के बीच में है तो फिर 2x हमारा 0 से 4 पाई के बीच में होगा। अच्छा अब हमारे दो आंसर आए हैं, क्या है, एक तो आया sin x हाफ और एक आया sin x सॉरी sin 2x, sin 2x एक आया माइनस हाफ और एक आया प्लस हाफ। अब मुझे जल्दी से बता दो हाफ वैल्यू साइन की कहां कहां पे होगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, राइट? पाई बाय सिक्स पे होगी और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस पाई बाय सिक्स करोगे तो फाइव पाई बाय सिक्स होगी, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव कहां कहां पे होगा, थर्ड में होगा पाई प्लस पाई बाय सिक्स सेवन पाई बाय सिक्स पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स इलेवन पाई बाय सिक्स पर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12, यहां से आ जाएगा 7 पाई बाय 12 और 11 पाई बाय 12। अच्छा लेकिन ये जो वैल्यूज आई हैं ये तो 0 से लेकर पाई के बीच में आई है ना, देखो ये तो आपका पाई से भी कम है तो ये तो पाई तक आई है। फिर इसके बाद एक और जब राउंड लेंगे हम दोबारा तो चार वैल्यूज ये आई है तो चार वैल्यूज और आ जाएंगी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, 2 पाई 2 पाई ऐड करके इन्हीं एंगल में, ये जो पाई बाय 6 है इसमें 2 पाई ऐड कर दूं, 5 पाई बाय 6 में 2 पाई ऐड कर दूं, क्योंकि 2 पाई करने से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होगा किसी भी एंगल में 2n पाई अगर आप ऐड करते हो तो वो थीटा सेम ही, मतलब उस पे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम रहती है, बात पता है ना, एंगल तो डिफरेंट है लेकिन वैल्यू तो सेम रहेगी, बात पता है ना, ठीक है, अगर n क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा तो अब ये चार वैल्यूज यहां पे आई हैं तो चार वैल्यूज और आ जाएंगी, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए इसके, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने होंगे, 8, क्लियर है, समझ में? Yes. मतलब वो निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ में आ गया कि चार ये आए चार और आएंगे डिफरेंट वैल्यूज। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा उनपे वैल्यूज तो सेम आ रही है तो दो ही आंसर है, तो ये दो आंसर नहीं है, एक्स की वैल्यूज हम जज कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है डिस्टिंक्ट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो एक्स की वैल्यूज अलग अलग है उन एंगल्स पर, कहीं पर साइन की वैल्यू सेम है कहीं पर डिफरेंट है लेकिन सॉल्यूशंस बताने थे तो वो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन टोटल 8 होंगे, क्लियर है? यस सर। बेटा सभी को आया समझ में? यस सर। तो अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करो एंड प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, ठीक है। तो 11th में जितने भी फॉर्मूलाज है किसी बच्चे को अच्छी तरह से लर्न नहीं है बेटा, दो दो तीन तीन बार उनको लिख कर लर्न करो अच्छी तरह से, और जो मैंने कुछ अलग से एंगल्स बताए उन पे वैल्यूज याद रखो 18 36 54 और 72 पर, ठीक है बेटा? यस यस थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस लाइक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे और साइन और कोसाइन रूल भी सीखेंगे, ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद करेंगे इनवर्स रूल, ओके बेटा? थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। बाय बाय।